संस्कारी फीलिंग्स करके आप देख सकते हैं, काफ़ी उमदा साइरिंग करते हैं वहाँ पे। बात हुआ है क्योंकि हमारा कॉलेज की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति एटीट्यूड में जब से है, जब से मैंने स्टार्ट करा जिम जाना। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है जूते बूट्स लेना, बूट्स बूट्स लेना, जूते लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अच्छा लूनू बैठ जा इसमें, अच्छा बैठ जा, तेरे लिए एक नया सोफा है लूनू। बेटा वो उसमें मेरा हुड है, वो उतर नीचे, इसे कुर्सी के आगे पड़ी है, चल जा, आजा आजा बैठ। ओ बैठ गई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज भरत पोखरियाल व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद मैं आपको फिर नज़र आ गया हूँगा, और क्योंकि इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा था, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। मतलब है कि बिजी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को कॉन्टेंट नहीं मिल रहा था क्योंकि घर ही पर था मैं, और घर पर आपको क्या दिखाता। तो आज अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है सुबह का, और आज कॉलेज जाने का प्लान है। आज का डे कुछ खास तो रहने वाला है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन वो है कि जो कुछ होगा आज मैं कॉलेज में आपको दिखाऊंगा। और बाकी अभी मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूं क्योंकि वो तैयार हो रहा है, वो मेरे घर के पास ही रहता है, आकाश आप जानते होंगे, सामने वाला घर उसी का है। पहले मैं भी वहीं रहता था, लेकिन अब मेरा घर यहां पर शिफ्ट हो गया, तो मैं यहां पर रहता हूं। और बाकी तो मौसम भी अब अच्छा है, धूप है आज तो काफ़ी अच्छी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। और बाकी बारिश गिरी थी लेकिन बर्फ़ नहीं गिरी, पता नहीं क्यों इस बार एक ही बार बारिश हुई, इस चक्कर में बर्फ़बारी भी नहीं हुई, और मैं इंतज़ार करते रह गया। मैंने सोचा कुछ तो व्लॉग में नया दिखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई आधे घंटे अपने घर के बाहर वेट करो भाई साहब का, और आधे घंटे इनके घर के बाहर वेट करो, और ये अभी भी नहीं आते हैं बाहर। और ये देखो, ये इन डॉग्स को फीड करते हैं। कुछ डॉग्स को मैंने भी फीड कराया यहाँ पर जब मैं पहले वहाँ पर रहता था, या ये मैं जब मैं नया शिफ्ट हुआ था देहरादून में, तो सबसे फर्स्ट मेरा वाला क्वार्टर था यहाँ पर। और बाकी आप ठंडा देख रहे हो भाई साहब, ये ठंडा है भाई देहरादून में। चलो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में तो पानी जम जाता है। तो जी हाँ, हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, कॉलेज के लिए। और अभी समय कितना हो रहा होगा लगभग, समय सूरज को देख के पता लगाना पड़ेगा। ओह बहुत टाइम हो चुका है, लगता है हम लेट हो चुके हैं कॉलेज। तो गाइज ये है गुड मॉर्निंग, काफ़ी लोगों का चलान कट रहा है। तो गाइज बहुत लोगों की गुड मॉर्निंग कुछ ऐसे होती है, सुबह सुबह दिन ख़राब हो जाता है। ये नीली पुलिस होती है, ये बहुत डेंजर होती है, चलान काट देती है सभी के। ब्लैक कॉप होती है? नहीं, इट्स अ ब्लू कॉप। ब्लू कॉप होती है क्योंकि उनकी ड्रेस नीली होती है। तो अभी हम पहुंचे हैं कॉलेज में, हमने गाड़ी कर दिया पार्क, और मैं आपको मिलवाता हूँ अपने नए दोस्तों से, नए आप लोगों के लिए मेरे साथ। अरे भरत हो तुम, मैं आकाश हूँ। अरे मैनेजर से बात करो मेरे। तो गाइस मैं दिख भी रहा हूँ। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, नाम है शिवम यादव, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। और ये यहाँ पे आकाश पूरा नाम बता, और इनका एक चैनल भी है, ये हमारे हमारे शायर भी हैं, नहीं चैनल सॉरी अकाउंट भी है इनका, ये हमारे शायर है, संस्कारी फीलिंग्स करके आप देख सकते हैं, काफ़ी उमदा शायरिंग करते हैं वहाँ पे। बाकी थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं आज। मैं हूँ तो नर्वस क्यों हो रहा तू? अरे हाँ, आज मेरे साथ शिवम है तो मैं नर्वस होने की कोई दिक्कत ऐसी नहीं। एक दो एक क्या दो इनको, एक दो एक दो कितना गाइस, चार सही है। देख मैं आ रहा, देख लाइट आ रहा, मैं कैमरा आ रहा, मैं पूरा आ रहा है, आ रहा है एक्शन। हेलो गाइस, तो मैं आपको आज डीएवी कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़के हैं, और कुछ लड़के यहाँ पे इतने नल्ले बेरोजगार है डेली आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे भाई जी यहाँ पे। हेलो गाइस, और ये मेरे कुछ शायद दोस्त मुझे जानते तो नहीं है, बट हेलो कर दो भाई, हेलो। आपने गाइस वो देखा शक्ति कपूर, अब यहाँ पे देखिए शक्ति कपूर बैठा है, अगर आपको दिख रहा होगा। इनसे नहीं यार, इनके लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे दिन रात, बट जिनके लिए मेरे लिए दिल में रिस्पेक्ट नहीं है ना,
वो लोग पता है कौन है? वो है ये। और लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं हमने एक बहुत पता नहीं क्या गलत कर दिया शायद यहाँ पे। लोग ऐसे देख रहे हैं हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो भाई, है ना भाई? सही बात है। तो गाइस हम अभी घूम रहे थे कॉलेज में और ये एनसीसी वाले हैं यहाँ पे। एनसीसी का क्या रोल होता है थोड़ा सा मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में, कौन बताएगा मुझे? नेशनल कैडेट नहीं, नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट मिलता होगा आगे जो मेरे से देखने वाले हैं व्यूअर्स? भाई छूट मिल जाती है इसमें बस, और तो भर्ती के टाइम पे थोड़ी छूट वगैरह मिल जाती है, तो ये चीज़ बहुत सही चीज़ बताई है इन्होंने। बाकी ये बिल्डिंग बाबा आदम के ज़माने की है। और हम आपको कहेंगे कि इसमें खंडे क्लासेस आते दिखा के, आजकल के टाइम पे इसे एस्थेटिक कहते हैं, मतलब ये वाली इस साइड क्लासेस साइंस वगैरह की है। हैरी पॉटर के जमाने की क्लासेस दिखा दे हम आपको, हैरी पॉटर। बाकी ये कॉलेज कुछ खास भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा विंटेज लुक आता है। तो यहाँ पे पेंट हो चुका है इस बिल्डिंग में, काफी सालों के बाद हुआ है क्योंकि हमारा कॉलेज की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, बजट नहीं पास हो रहा है आगे। लोगों ने चंदा मांग के कराया। और ये दरवाजा बहुत खतरनाक है यहाँ पे। बॉटनिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे इस बारे में? भाई मैं कॉमर्स बीकॉम वाला हूँ, मुझे नहीं पता। बॉटनिक का मतलब शायद कुछ नहीं होता है। बॉटनिक का मतलब बहुत हार्ड होता है कुछ आपको। हाँ यार कट कट। तो अभी हम लेके आ गए हैं क्लास, बहुत पढ़ा मैंने आज, पसीना छूट गया मेरा। और फिर अभी थोड़ी क्लास लेने के बाद हम फिर से आ गए हैं यहाँ पे घूमने, और आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और जैसे कि सीएम यादव ने मुझे काफ़ी बार बोला है कि यार तू कुछ तो कर, मतलब तू बना व्लॉग 24 घंटे बना, बोलते रहे। तो अभी मैं यहाँ पे रिएक्शन नोट करूँगा काफ़ी सारे लोगों, क्यूट गर्ल रिएक्शन, क्यूट बॉयज है यहाँ पे। तो वैसे भी सच में कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे अंदर। मैं मैं मजाक से हटके कॉन्फिडेंस आ चुका है मुझे बस्ती के हस्तियों के साथ आज यहाँ पे। बस्ती के हस्ती है ब्रो। यार एक बार अपना परिचय दे दे, तूने नहीं दिया अपना परिचय। मैं देना भी नहीं चाहता। भाई मैं दे ही नहीं रहा परिचय। क्या कह रहे जानते हो ये लोग? एटीट्यूड है मेरे अंदर, एटीट्यूड बॉय आकाश कुमार, चॉकलेट बॉय, एटीट्यूड अलून बॉय, एटीट्यूड मेरे अंदर जब से आया, जब से मैंने स्टार्ट करा जिम जाना। स्टे टॉक्सिक किंग। 6 महीने हो गए जिम जाते हैं, बॉडी बन गई है बहुत सारी। बॉडी दिखा दो। तो ये हकीकत बात है कि जिम जाते रहिए, खुद पे फोकस रहिए, क्यों? और बाकी स्टे टॉक्सिक रहिए। बिलीव इन सेल्फ, बिलीव इन सेल्फ योर। जूते लेने आए हैं, चार लोग आ रखे हैं जूते देखने। भाई कौन से पसंद आ रहे हैं? चेक कर रहे हैं ये ओल्ड स्कूल टाइप में पसंद है भाई की। और भैया कैसे हो? बढ़िया, बेकार लग रहा है। ये ले ले वाला, कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। ये ले ले लॉन्ग मैन भैया। अच्छी ये ले। तो सबसे ज्यादा मुश्किल है जूते, बूट्स लेना, बूट्स जूते लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो गाइस ये वाली शॉप ज्यादा बेटर है। तो भाई इस बंदे ने तो पूरी 10 दुकानें छान मरा दिया, इसको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या लेना है। भाई ऐसा ही होता है लड़कों के साथ, बहुत दुख है लड़कों की जिंदगी में। कॉम्बिनेशन वाइट पे ही आएगा ये तो, पॉसिबल है इसमें कोई इशू नहीं आएगा ना, यहाँ रिंकल वगैरह आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। सबसे बढ़िया फैब्रिक में रहेगा आपके लिए। तो सच्ची में सही लग रहा है भाई। गाइस जल्दी से कमेंट करके बता दो, अगर कमेंट कर दे तो कल ही देखेंगे। लाइव है, लाइव है, पहले इंस्टाग्राम पे लाइव है, इंस्टाग्राम। तो गाइस जूते हमने लिए नहीं है, ये आप बता रहे कि इस पे तो पैसे ही नहीं है। सरप्राइज पैसे तो हैं, पर यार लोकल में ना वो मजा नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, जो भी पहनते हो या जो भी लेते हो, मतलब एक अलग स्टार्टिंग से ब्रांड है तो ब्रांड टाइप का अच्छा लगता है। इन लोगों को लेना कुछ है नहीं है, ये खाली टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे।
इन्होंने अभी तक सारी दुकानें छान मार दी है यहाँ पे। वो बता दे अब बची है कोई दुकान? गाइस हम जा रहे हैं 85 दुकान पे अब। और अभी सच में हम बहुत सारी दुकानें भटक चुके हैं। पीछे सब्सक्राइब मिल रहा है, सब्सक्राइब ये हमें कब से फॉलो कर रहा है? कौन है? एक घंटे से फॉलो कर रहा है। मेरा बाउंसर कहाँ है?